Good morning, students. Let's begin chapter number 3, that is about the boring machine. ठीक है, हम boring machine के बारे में अब पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कट सेक्शन दिखाया, डायग्राम मैं दिखा रही हूँ इसमें. अच्छा, सबसे पहले ये जाना जाए कि what is boring machine. Boring machine क्या होता है कि बोरिंग मशीन जो होता है, ये थोड़ा सा मैं इस कैनवास को बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके और मैं सफिशियंट लिख पाऊँ. बोरिंग मशीन क्या होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा जो एक छोटे होल किए जाते हैं उसका एनलार्ज करना. ठीक है, उसको एनलार्ज करना. Enlargement of hole done by drilling operation. ठीक है, drilling machine के द्वारा जो छोटा छेद किया जाता है, अगर उसको हमको enlarge करना है तो उसके लिए हम boring machine का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, ये ऑपरेशन, बोरिंग ऑपरेशन क्या क्या चीज बनाने के काम आता है. लार्ज पंप, बड़े बड़े साइज के पंप बना सकते हैं हम इससे. ठीक है, बड़े साइज के टर्बाइंस बना सकते हैं हम. ठीक है, रेल रोड कार्स, ये बना सकते हैं हम लोग. कार व्हील्स, ये सारी चीजें हम बोरिंग मशीन के द्वारा बना सकते हैं. और ये जो बोरिंग मशीन होती है, इट इज वन ऑफ दी लार्जेस्ट ऑफ मशीन टूल. जितने भी मशीन टूल हम पढ़ेंगे उसमें से, उन सब में से सबसे बड़ी साइज की मशीन टूल होती है. ठीक है, जो कि कम से कम 18,000 किलो तक का वर्क पीस में भी काम कर सकती है. ठीक है, तो यहां पर जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, ये डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम देख रहे हैं आप लोग. ये डायग्राम में मैंने कट सेक्शन दिखाया है बोरिंग मशीन का. ये प्राइमरी सी मोशन है, ये हमारा वर्क पीस है, इसको बी से सेक्शनिंग कर दिए तो ऐसा दिख रहा है. वर्क पीस जब सिंपल था तो ये ऐसा नजर आ रहा था. ठीक है, और यहां पर उसमें होल्स थे इसलिए डॉटेड लाइन बनाया मैंने. फिर जब उसको कट किया तो यहां सेक्शनिंग कर दी और ये होल हमको नजर आने लग गया. ये है हमारा बोरिंग टूल. ये बोरिंग टूल का बार है, इसमें यहाँ पर टूल को फिक्स किया गया है. बार के ऊपर में यहाँ पे पिन के थ्रू बार टूल को फिक्स किया गया है. जब ये गोल गोल घूमता है तो देखिए छोटा होल है, इस छोटे को इतने बड़े होल में बदला जा रहा है. ठीक है, तो बोरिंग मशीन दो तरह की होती है. पहला तो ये होता है कि स्टेशनरी स्पिंडल, जिसमें टूल जो है, सॉरी वर्क पीस जो है वो स्टेशनरी रहता है और हमारा टूल जो है मूव करता है. ठीक है, और दूसरा होता है एक जिसमें हमारा टूल मूव कर, वर्कपीस जो है वो घूमता है, कंटिन्यूअस मोशन में होता है, और टूल जो है, सॉरी टूल खड़ा रहता है और वर्कपीस घूमता है. और एक में टूल घूमता है और वर्कपीस जो है खड़ा रहता है. तो एक दो तरह के जनरली होते हैं, स्टेशनरी वर्कपीस रोटेटिंग टूल, जिसमें टूल रोटेट होता है, और दूसरा होता है रोटेटिंग वर्कपीस स्टेशनरी टूल. तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कौन कैसे काम करेगा. ठीक है, तो अब लिखते हैं. ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था बोरिंग मशीन के बारे में. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन. सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन. कई प्रकार के बोरिंग मशीन होती है. सबसे पहले जो एकदम कॉमन है वो है हॉरिजॉन्टल
बोरिंग मशीन, दूसरा है, अब हॉरिजॉन्टल है तो उसका अपोजिट भी होगा, वर्टिकल बोरिंग मशीन, तीसरा है जिग बोरिंग मशीन, फोर्थ टाइप है फाइन बोरिंग मशीन, इसका फिफ्थ टाइप है डीप होल बोरिंग मशीन, और सिक्स्थ टाइप है एनसी बोरिंग मशीन। एनसी का मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल बोरिंग मशीन। ये न्यूमेरिकल कंट्रोल बोरिंग मशीन क्या होती है, ये न्यूमेरिकल कंट्रोल आप कैड कैम के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमको तीन बोरिंग मशीन, आपके एज पर योर सिलेबस हम लोग को तीन बोरिंग मशीन के बारे में पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, वर्टिकल बोरिंग मशीन एंड जिग बोरिंग मशीन। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। तो इस चैप्टर से सिर्फ तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज बोरिंग मशीन, सॉरी चार क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज बोरिंग मशीन क्लासिफाइड, ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज वर्टिकल बोरिंग मशीन एंड थर्ड क्वेश्चन जिग बोरिंग मशीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन से। इसका छोटा सा वीडियो मैंने रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं डायरेक्टली। ये देखिए यहाँ पे एक वीडियो मैंने सर्च करके रखा हुआ है, इसको प्ले करके अपन देख, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मशीन आपको दिख रही है ये हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, ठीक है, ये इसका हेड स्टॉक है, यहाँ पे टेल स्टॉक को रिमूव कर दिया गया है, ठीक, और ये इसका स्पिंडल है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पर देखिए कि क्या क्या कैसे ये काम कर। मैं वॉइस बंद कर देती हूँ। यहाँ देखिए ये स्पिंडल है, ठीक है, यहाँ पैनल्स लगे हुए हैं, ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और अलग अलग मॉनिटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये रात में काम करने के लिए। ये देखिए ये जो दिख रहा है ये चक है ना, जो मैंने बोला था स्पेशल अडाप्टर चक जो होते हैं जिनमें एक टाइप के जॉब को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है, फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो दिखा रहा है ये क्रेन लगा हुआ है जिग बोरिंग मशीन के, सॉरी हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के साथ में क्रेन लगा हुआ है, क्योंकि जो वर्क पार्ट जिसके ऊपर मशीनिंग होती है वो काफी भारी होती है तो उसको उठाना हैंडल करना मुश्किल होता है, ठीक। अब ये है हमारा एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में टच करता है, एक्सिस को दिखाता है, ये किस लिए, ये टेबल के मूवमेंट को रीड करता है। ये सारे अडेप्टर्स है, देखिए ये सारे अडेप्टर्स है जो कि बोरिंग ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। ये सेंसर है टच सेंसर, ठीक है, ये हमारे पास में, इसका नाम है टच सेंसर, सोनी कंपनी का दिखा रहा है, हमको एडवर्टाइज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये भी सोनी का पैनल है देखो। ओके, ये अपना हेडस्टॉक मूवमेंट है, ये चेन लगी हुई है ताकि ये पूरा का पूरा हेडस्टॉक जो है ऊपर और नीचे मूव कर सके। ये कैरिएज है जो हेल्प करता है, जिसके ऊपर हमारा टेबल माउंटेड है, इसको हम कहते हैं पैलेट टेबल, ठीक है, इस पैलेट टेबल के ऊपर में हम वर्क पीस को रख करके काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये देखिए ये मूवमेंट हो रहा है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल इन फीड एंड रैपिड, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ट्रैवल मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव कर रहा है आगे इस तरफ और इस तरफ। अब ये यहाँ पर इस आदमी के द्वारा रैपिड में दिखाया जा रहा है, जब ऑटोमेटिकली मूव कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर वो इससे पता चलता है। अभी देखिए ये मूव कर रहा है, ये रैपिड मतलब फास्ट, अगर हमको करना है तो आप हैंड लीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हमको ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। जैसे ही वो चेंज हुआ, देखिए यहाँ पर एक्स एक्स आपके डायरेक्शन की जेड एक्सिस की रीडिंग्स जो है चेंज होने लग जाती है, ठीक है, ये मतलब हमारा जेड एक्सिस है इस तरफ, ये हमारा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस का मूवमेंट है। अब क्रॉस ट्रेवल इन फीड एंड रैपिड, ये देखिए क्रॉस ट्रेवल कर रहा है ऑटोमेटिकली, धीरे 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 घूम रहा है, यहां से हम कितना mm घूम रहा है वहां से हम मेजर कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ में वो एक्स मूवमेंट है, एक्स मूवमेंट हमारा चेंज होने लग गया, ठीक है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे चेंज होने लग गए, और ये क्रॉस ट्रेवल है, सॉरी मैं जो आपको पहले लॉन्गिट्यूडनल बताई वो क्रॉस है, लॉन्गिट्यूडनल इस तरफ है, ये
और ये हमारा क्रॉस टेबल है, ये रैपिड में दिखा रहा है कि अगर आपको स्पीड करना है तो आप मैनुअली करना पड़ता है, अदरवाइज मशीन के थ्रू ऑटोमेटिक मूवमेंट भी इसमें पॉसिबल है, ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है। एक बार आगे आया, एक बार पीछे, मतलब लेफ्ट राइट मूवमेंट और इस तरफ से आगे पीछे मूवमेंट, ये टेबल का मूवमेंट है। ठीक है, अब हमको ऊपर नीचे का भी मूवमेंट चाहिए, उसके लिए अब हम ये पूरा का पूरा सेटअप यानी जो हेडस्टॉक है इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेन का अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, टेबल को ना मूव करके वर्कपीस की हाइट के हिसाब से हम स्पिंडल को ही एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये अब ऑटोमेटिक होने लग गया वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन मतलब स्पिंडल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस फीड एक्स डायरेक्शन में है इसमें, और लॉन्गिट्यूडनल में वाई जेड एक्सिस में लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है। अभी देखिए रैपिड करेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ऊपर जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्प्रिंग जो है गोल गोल घूम रही है, चेन ऊपर जा रहा है और स्पिंडल जो है, ये क्यों करते हैं, ताकि हम वर्क पीस के हाइट के हिसाब से हम अपने स्पिंडल को एडजस्ट कर पाए, छोटा है तो नीचे, मतलब बड़ा है तो ऊपर। ठीक है, इस तरह से काम कर सके, क्योंकि जो वर्क पीस होता है वो हमारा यहाँ पे बहुत हैवी, मैंने बताया हैवी ड्यूटी है। अब ये देखिए, ये नया है टेबल रोटेशन, टेबल को हम रोटेट भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहा है, कितने एमएम पे रोटेट हो रहा है उसकी रीडिंग हम आसानी से यहाँ से रीड कर सकते हैं। एक मूवमेंट और है इसमें, ठीक है, यहाँ पर भी बता रहा है कि कितने एंगल से ये कितने एंगल जा रहा है और कितने एमएम में रोटेट हो रहा है। अब इसको रैपिड करके दिखाएगा, ये देखिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अपने यहाँ पर जो भी वर्क पीस रहेगा उसको हम रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज। ये है हमारा स्पिंडल, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो चक है। यहाँ पे प्रोविजन है कि स्पिंडल को भी हम आगे और पीछे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्पिंडल के मूवमेंट को हल्का हल्का, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है तो ये धीरे धीरे रोटेट हो रहा है। अब जब इसको रैपिड करेंगे, स्पिंडल की भी एडजस्टमेंट, मतलब हाइट हम कितना ले रहे हैं, दूरी अपन, ये देखिए बाहर आ गया। ठीक है, रैपिड थ्रू द मैनुअल प्रोसीजर हम कर रहे हैं, ये बाहर आ गया। इसके बाद इसको पीछे भी हम ले सकते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल। तो यहाँ पे एज पर दी जॉब कॉम्प्लेक्स, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स जॉब है उसके हिसाब से उसकी हाइट, लेंथ, विड्थ और उसके एंगल ऑफ रोटेशन हम सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस फीड एंड स्पिंडल मूवमेंट, ऑल्सो विद द अप एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ दी हेडस्टॉक। अब यहाँ पर ये देखिए, ये फिक्सचर है, ये फिक्सचर को भी हम यहाँ पे जब जॉब फिक्स करेंगे तो ये आराम से किस तरह से इसको मूव किया जा सकता है, इसके भी मूवमेंट को दिया हुआ। ये सारा काम कैसे हो रहा है, थ्रू द यूज ऑफ अ टच सेंसर। अगर ऑटोमेटिकली करवाएंगे तो यहाँ पे सेंसर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मैनुअल फीड। ओके, अब यहाँ पे स्पिंडल की स्पीड को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट स्पिंडल स्पीड है, ये नॉर्मल चल रहा है, यहाँ से पैनल से के थ्रू इसको स्पीड को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, यहाँ पे गियर चेंज किया, ये एकदम हाई स्पीड है, स्पिंडल की स्पीड हाई कर दी, इसको हम कम भी कर सकते हैं, ये कम हो गया, बंद हो गया, अब गियर चेंज कर दिया। अब फिर जब चेंज किए तो इसकी स्पीड कंपैरेटिवली उस पहले वाली स्पीड से कम हो जाती है, यहाँ पे फिर गियर चेंज किया, ये सबसे हाईएस्ट स्पीड है। ठीक है, तो अलग अलग स्पिंडल के स्पीड भी हमारे पास अवेलेबल है। ये यहाँ पे क्रेन दिया हुआ है, जिप क्रेन दिया हुआ है, जिससे हम वर्क पीस को लिफ्ट और उठा भी सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं वर्क पीस के हैंडलिंग के लिए। ठीक है, वर्क पीस हैंडल करने के लिए यहाँ पर क्रेन मैकेनिज्म दिया हुआ है जो ऑटोमेटिकली अपने वेट से काम करता है। ये देखिए, ये वर्क पीस को यहाँ पे, जो बाकी सब सारी चीजें टूल और वर्क पीस दोनों के लिए था, ये वर्क पीस को हैंडल करने के लिए, उठाने के लिए, रखने के लिए, सारे मूवमेंट्स इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का टाइप है। चलिए अब आगे देखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन कैसे वर्क करता है वो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मौजूद होता है, एक तो रहेगा हेडस्टॉक, दूसरा होता है बेड, तीसरा मेन पार्ट है इसमें टेबल,
और चौथा मेन पार्ट है सपोर्ट सिस्टम, जो कि बड़े बड़े वर्क पीस को पकड़ने काम आता है। जैसे यहां पर इस यूज किया गया है जिब क्रेन, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया उसमें जिब क्रेन का इस्तेमाल किया गया है। आपने देखा कि जो बेड रहता है इसमें हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में, जो बेड रहता है वो सपोर्ट करता है टेबल को पूरे के पूरे, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन को ही सपोर्ट करता है, और वर्क टेबल जो रहता है वो बेड के ऊपर रहता है ना। और हेडस्टॉक जो है, हेडस्टॉक कैन मूव वर्टिकली, और ये कौन से डायरेक्शन लेते हैं हम इसको, वाई एक्सिस मूवमेंट लेता है। और टेबल का जो क्रॉस फीड है वो हो रहा था हमारा एक्स एक्सिस में, और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो हो रहा था वो हो रहा था जेड एक्सिस में। इसके अलावा हमारे पास टेबल के लिए रोटेशन मोमेंट भी अवेलेबल था, ठीक है। इसे कंस्ट्रक्शन आप लोग अपना बना लेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है, जैसे मैंने बताया कि टेबल एक बेड के ऊपर में सारा हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन जो है वो माउंटेड होता है। इस बेड के ऊपर में टेबल लगा हुआ था होता है, जिसका क्रॉस फीड एक्स डायरेक्शन में होता है, लॉन्गिट्यूडनल फीड मोशन जेड एक्सिस में होता है, रोटेशनल मोमेंट भी अवेलेबल दिया जाता है, और हेडस्टॉक जो मौजूद होता है वो वर्टिकली मूव कर सकता है। उसमें स्पिंडल लगा हुआ होता है, जो स्पिंडल बैकवर्ड और स्पिंडल जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, ये सारे स्पिंडल किसमें लगा हुआ होता है, हमारे हेडस्टॉक में लगा हुआ होता है, फिट रहता है। ओके, और इसके बाद इसमें सपोर्ट सिस्टम रहता है, जो सपोर्ट सिस्टम रहता है वो हमारे बेड के सॉरी जो वर्क पीस है उसको हैंडल करने के काम आता है, और उसको मदद करता है हमको हैंडल करने में, उसको उठाने में रखने में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन भी जो है वो कई टाइप्स की होती है, कितने टाइप होते हैं देखते हैं। पहला तो है टेबल टाइप, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। टेबल टाइप जो मैंने दिखाया वो टेबल टाइप ही है ना। इसमें क्या क्या रहता है, हेडस्टॉक रहेगा, कॉलम रहेगा, कॉलम जिसमें हेडस्टॉक मूवमेंट कर रहा था आपने देखा, फिर कॉलम का बेस, फिर टेबल सेडल और एंड सपोर्ट एंड बेड। इतनी सारी चीजें रहती है टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में। इसका डायग्राम आप लोग नेट से निकाल लीजिएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का मैंने दिख दिया नहीं है यहाँ पे, आप लोग निकाल लीजिएगा, ड्रॉ करना जरूरी है। सेकेंड टाइप होता है फ्लोर टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। इसमें क्या होता है, ये जो फ्लोर टाइप होता है ये एक्चुअल में वेरी लार्ज, जरूरत से ज्यादा बड़ा वर्क पीस को हैंडल करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, यूज फॉर वेरी लार्ज वर्क पीस। इसके बाद इसमें भी हेडस्टॉक रहेगा, है ना, हेडस्टॉक रहेगा, कॉलम बेस रहेगा, रनवे एंड रहेगा, फ्लोर प्लेट। इसमें एक एक्स्ट्रा रहता है जो पार्ट रहता है वो है फ्लोर प्लेट, यहाँ पर लगा हुआ होता है टू हैंडल लार्ज वर्क पीस। फिर थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप इज प्लेनर टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। ये जो प्लेनर टाइप रहता है इसमें भी हेडस्टॉक, कॉलम, रनवे और सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ होता है, टेबल एंड बेड लगा रहता है। इसमें जो गाइडवेज रहते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग रहते हैं। गाइडवेज मतलब क्या, जिसके ऊपर टेबल मूव कर रहा है ना, जो रास्ता बता रहे हैं कि हमको किस तरफ मूव करना है। और ये जो रहता है प्लेनर मशीन के जैसा ही होता है, प्लेनर मशीन के जैसे ये काम करता है।
सिमिलर टू प्लेनर मशीन। फोर्थ टाइप है मल्टीपल हेड टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। मल्टीपल हेड टाइप मतलब जिनमें जिसका बेड एक एक रहेगा और उसमें मल्टीपल हेड रहेंगे, मतलब हेडस्टॉक मौजूद रहेंगे, उसको हम कहते हैं मल्टीपल हेड टाइप बोरिंग हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। ये प्लेन मिलर की तरह से काम करता है, ठीक है। इसमें भी हेडस्टॉक रहेगा मगर एक से ज्यादा रहेगा, ताकि उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन और मिलिंग ऑपरेशन तीनों एक साथ किया जा सके। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड मिलिंग, ये तीनों के तीनों ऑपरेशन एक साथ मल्टीपल हेड टाइप बोरिंग मशीन में कर पाना संभव है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्टिकल बोरिंग मशीन, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।